न मावा न कंडेंस मिल्क न दूध से आज हम बनाएंगे आम से टेस्टी मिठाई। तो देखिए ये कैसे बनाते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरती गुप्ता होम टेस्ट में। तो चलिए आज हम आम का मिठाई बना लेंगे। तो आम का हम तो इसके लिए देखिए हमने ये 3 आम लिया है और कोई सा भी आप आम ले सकते हैं। ये देखिए हमने ये आम ले लिया है, कोई भी आम ले सकते हैं, बस आम होना चाहिए और क्या। तो ये हमको आम मिला तो यही हम ले लेंगे और इसको पूरा पील करके अच्छे से इसका हम स्किन पूरा निकाल के अच्छे से इसका ये पार्ट्स निकाल लेंगे सारा। तो इसको पील कर लेते हैं पहले, फिर दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए हमने सारा आम पील कर लिया है और इसको हम ऐसे आप जैसे भी चाहे इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में पीस कर लेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मन वैसे कर सकते हैं, बस हमको निकालने से मतलब है। तो इस तरह से हम सारे आम को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सारे हमने काट लिए हैं, इसको बड़े बड़े छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हम ग्राइंडर जाल में अपने मैंगोस को डाल दे रहे हैं। तो इसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे बिना पानी डाले, इसमें पानी नहीं डालना। तो देखिए हमने ये पीस लिया है, ये देखिए बहुत सुंदर सा फाइन पेस्ट बना है और इसको हम निकाल लेंगे अब। तो इसको हम कढ़ाई में ही बनाएंगे, तो इसको हम डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल लेते हैं। ये देखिए, सो ये देख सकते हैं हमने कढ़ाई में रख दिया है और इसको गैस को ऑन कर दिया है। ये देखिए, तो हमने कढ़ाई में इसको डाल दिया था और अच्छे से हम इसको चलाते चलाते मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और हमने कढ़ाई में बस आम ही डाला है और कुछ नहीं डाला है। तो इसको हम धीरे धीरे से चलाएंगे और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से हमको पकाना है चलाते हुए, नहीं तो नीचे से तले में ये लग जाएगा। तो आप चलाते हुए अच्छे से इसको पकाइएगा, 2-3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। 2-3 मिनट तक हमें इसे पकाना है अच्छे से और मीडियम फ्लेम रहे। तो ये देखिए हमने 1 मिनट तक इसको पका लिया है, 2 मिनट तक और अच्छे से हम पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुके हैं, फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी डाल सकते हैं। हमने ये थोड़ा सा डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके चीनी को गला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें आधा मिनट पका लिया है, मगर अभी हम 1 मिनट तक और पकाएंगे चलाते चलाते, क्योंकि थोड़ा सा हमारा चीनी जो गला गल जाए और थोड़ा सा टेक्सचर गाढ़ा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा और 1 मिनट तक चलाते चलाते हमको भूनना है। साइड साइड में जो लग रहे हैं उसको हम छोड़ाते छोड़ाते जाएंगे, छोड़ाते हुए इसको मिलाते जाएंगे। ये देखिए, तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए 1 मिनट तक हो गया है फ्रेंड्स। और इस ये हम थोड़ी सी काजू, बादाम, नारियल ये सब हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, पीस लिया है, ग्राइंडर में एक बार घुमा लिया है। इसको भी हम इस स्टेज पर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हैं, हमको जो पसंद था हम वही डाल लिए हैं, नारियल, बादाम, काजू ये सब लिया है। और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर हम थोड़ा सा ये मिल्क पाउडर लिया है, जो सूखा मिल्क पाउडर मिलता है बाज़ार में, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो ये आधा कप के करीब हमने ले लिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दूध डाल लिया था और 1 मिनट तक अच्छे से चलाते चलाते भून भी लिया है। और 2 मिनट तक हम इसको और भूनेंगे, 2-3 मिनट तक, जब तक ये कि हमारा लड्डू बनने न लगे जब तक। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है और इसको हम थोड़ा सा मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो इसमें फूड कलर मिला सकते हैं,
हम ये जो गुरु जी का शरबत आता है वो लिए हैं और उसको हम दो चम्मच डाल देंगे, इससे अच्छा कलर आएगा। आप चाहे तो केसर का कलर भी बना के डाल सकते हैं दूध में घोलकर, हमने मेरे पास नहीं था तो हम यही ट्रिक से आज बना रहे हैं, इससे अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। और इसी तरह से हम एकदम इस स्टेज पर हमको एकदम मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो इस तरह से चलाते चलाते हमें अच्छे से इसको बना लेंगे। तो हम दो मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते चलाते मैश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एक मिनट तक अच्छे से मिलाते हुए एकदम पका चुके हैं। ये हमारे देखिए थोड़ा सा हो भी चुका है, ये गाढ़ा हो चुका है, मगर हम अभी एक डेढ़ मिनट तक अच्छे से इसको और भी पकाएंगे ताकि ये बाइंड होने लगे हमारा बैटर। तो इस तरह से हिलाते हुए हम पकाएंगे, नहीं तो ये तले में जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत है मगर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए एकदम मिल्केक जैसा कंसिस्टेंसी हो गया है इसका। थोड़ी सी हम और हम पका लेते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम अच्छे से अब एकदम ठीक हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, ये देखिए, ताकि स्मूथ कंसिस्टेंसी हो चुके थोड़ा सा, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आधा मिनट तक इसको घी डाल के पका लिया है। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा देर तक आधा मिनट के लिए ऐसे ही गैस को बंद करके पकाएंगे, क्योंकि हमारा कढ़ाई बहुत गर्म है अभी। तो ये देखिए हमारा पैन भी छोड़ने लगा है, देखिए। तो ये पक चुके हैं अच्छे से, और थोड़ी सी हम और चला लेंगे इसको अच्छे से, ताकि हमारा जो बैटर है थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और जल्दी ठंडा भी हो जाए। तो ये देखिए हमने आधा मिनट तक अच्छे से मिला लिया था। अब इसको हम थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारा रेडी हो चुका है, और इसको हम अब थोड़ा सा चकलेट निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक थाली ले लिया है और इसको हम थोड़ा सा घी से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा घी ले लिया और सारा हम हाथ से स्प्रेड कर लेंगे सारा। तो ये जो बैटर था सारा निकाल लेंगे और स्प्रेड कर लेंगे सारा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थाली में ही अपना इसको स्प्रेड कर लिया है। देखिए आप चाहे तो कोई टीन या कोई सा भी बर्तन अच्छा सा ले सकते हैं। हमने थाली सबके घर में होता है इसलिए हम थाली में किए हैं। और ये हम पिस्ता और बादाम को अच्छे से थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया था। इसको ऊपर से हम डाल लेंगे, डेकोरेट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, इससे हमारे मिठाई का लुक अच्छा से एकदम बदल जाएगा, एकदम नया लुक लगेगा। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने स्प्रेड कर लिया था थाली में, और इसे हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुका है, चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं, तो आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। हम इसको एकदम बर्फ़ी के आकार का काटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और ये साइड में जो लग जाता है उसको हम साइड में ही छोड़ देंगे, और अच्छे से क्लीन करके तब हम फिर से इस तरह से काट लेंगे। तो ये देखिए हमने काट लिया है और अच्छे से ये हो गए हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसको आसानी से निकाल लेंगे। हमने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, ऐसे ही रखा था, तो ये थोड़ा सा नरम है, इसको आसानी से निकालना होगा।
तो आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो 15 मिनट के बाद इसको फ्रीजर में रख के 15 मिनट बाद आप काटेंगे तो एकदम टाइट हो जाएगा। हमने ऐसे ही काटा है तो इसलिए ये देखिए थोड़ा सा ये गीला है, दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए थोड़ा सा गीला है मगर ये बहुत अच्छे बने हैं, अगर आप फ्रिज में रखेंगे एकदम टाइट हो जाएंगे। तो हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये निकाल लिया, ये बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए हम तोड़ के नहीं दिखा। सो देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुका है, इसको आप फ्रीज में रख दीजिए, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो आप इसको खा सकते हैं और ये 15 दिन तक ख़राब नहीं होगा। बिना फ्रीज के आप लोग 4-5 दिन तक खा सकते हैं और ऐसे फ्रीज में रख के आप लोग 10-15 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हमने बहुत ही कम इनिंग्स में बनाया, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हमें कमेंट में बताइए कि आपको अगली रेसिपी कौन सी देखनी है, किस चीज़ पे देखनी है। और हमारे चैनल ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू है, आरती गुप्ता होम ट्रिक्स पर न्यू है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।